ताली एक हमारा एक कल्चर है, हम लोगों की बधाई के लिए आशीर्वाद के लिए जाते हैं। हमारी जिंदगी में दुख आता है तब लोग कहाँ चले जाते हैं? किन्नरों का तो उस नज़र से देखा जाए तो भगवान का दर्जा दिया गया, लेकिन आजकल देखता कौन है? एक बार किसी के पास जाएंगे कि ले बाबू 10 रुपये भी दे दे तो कहेगा चल चल आगे भग। आपकी हर खुशियों में दुआएं करने वाले लोग आज मुसीबत में हैं। ओल्ड एज होम हमने सुना है, सबके लिए हमने सुना है, यहाँ तक जानवरों के लिए भी जिनको चोट लग जाती है एक जगह है जहाँ पे ले जाके उनका इलाज करते थे। पर ट्रांसजेंडर्स के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। मैं खुद ट्रांसजेंडर हूँ, मैं खुद हिजड़ा फैमिली से हूँ। ये जितने भी लोग हैं ये मेरे घर के लोग हैं, कोई मेरी बहन लगती है, कोई मेरी दीदी लगती है। हम लोगों का स्ट्रगल तो ऐसा है कि एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जहाँ पे स्ट्रगल ना हो, मारना पीटना। मैं जब भी सोचती हूँ अक्सर मेरा दिल ना, मैं इसको सोचना भी नहीं चाहती। इस शेल्टर होम में वो लोग हैं जो हर तरफ से टूट गए हैं, पर उनमें एक विश्वास है कि वो पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे और एक सम्मान भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हमारे पास करीबन 2500 प्लस कम्यूनिटी मेम्बर्स हैं जो ओवरऑल हम वेस्ट दिल्ली में काम करते हैं डिफरेंट एरियाज़ में। हमें अपने यहाँ मालूम है कि कौन HIV के साथ जी रहा है। ज़रूरत तो बहुत सारी हैं, पर अभी हमें जो अर्जेंटली चाहिए, हमें वो ड्राई राशन सपोर्ट चाहिए जिसके अंदर आटा हो, चावल हो, दाल हो, तेल हो, मसाले हो। आज ये लोग बेघर हैं, भूखे हैं, तो मेरी गुहार ये है कि आप सब लोग अर्जेंटली इनकी मदद करें और इनकी दुआएं लें।